बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 मैथ से और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्री चैप्टर। तो थ्री चैप्टर असल में हमारे पास लॉगरिथम का है, लॉग के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन का एक तरीका है और आप उस सब मेथड पे करेंगे और इसका एक कंसेप्ट है, आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग की मैं कुछ एक्सरसाइज में जाता हूँ तो मैं वहाँ देख लेता हूँ कि सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए, सिग्निफिकेंट नंबर्स, राइट ईच, जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है कि आप इसको सिग्निफिकेंट नंबर्स, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन सिग्निफिकेंट नोटेशन। ठीक है ना, आपने इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिखना होगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पर एक कंडीशन है, इसमें चले मैं आपको सबसे पहले वो कंडीशन बता देता हूँ, ये वाला कि x इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, x इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर n, और a पे क्या कंडीशन है, ये कंडीशन याद रखिएगा कि a हमारे पास लेस देन 10 होगा और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अगर किसी शख्स को ये कंडीशन क्लियर है तो वो किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो तरीका क्या होगा असल में, आपको आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो मैं वो तरीका आपको बताता चलूँ कि आप किस तरह इसको करेंगे। देखिए, जिस तरह इधर लिखा गया है कि 4 3 3, अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप किस तरह इसको करेंगे, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि उस वो कंडीशन, देखिए पॉइंट यहाँ हम लगाएंगे क्योंकि ए पे हमारा जो कंडीशन था वो लेस देन 10 होगा और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, तो वो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे आप, देखिए 4.05 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस टू पावर 1 2 3 4 5 प्लस 5। अब देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी है कि इधर माइनस पावर माइनस में आएगा, उसकी वजह क्या है, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे। देखिए किस तरह, देखिए 0 0 0 0 5.5 6 7। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, तो देखिए हमारे पास ये ए है, अब ए पे कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे 5 पॉइंट, अब देखिए हम कहाँ से जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो आपका जो पावर होगा 10 का वो नेगेटिव होगा, जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपका वो पावर पॉजिटिव होगा। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो देखिए 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5, ठीक हो गया। तो ये इसका तरीका है, इसका कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंस में जो है वो कुछ भी इस तरह मुश्किल नहीं है, वन एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। ठीक है, अच्छा तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ये जो लिखा गया है कि 2 3 4 6 0 0 0 0 0 0 0, देखिए कंसेप्ट याद होना चाहिए। देखिए 2 है, ए हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास ए है ना, ए पे कंडीशन क्या था कि ए मतलब 2 लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या था, 1 था। अच्छा लेस देन और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन थी। अगर कंडीशन याद है तो देखिए 2 तो हमारे पास है, कंडीशन को देख दिया 2 हमारे पास राइट आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देखिए 11 आ रहा है, तो 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर प्लस 11। अब अगर ये नंबर इस साइड पे थे और इस साइड 0 थे तो फिर आपने पावर को क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो ये इसका आसान सा तरीका है, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकेंगे क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अच्छा अब आसान सी बात है, अब हमको क्या गिवन है कि आपने क्या करना होगा, आपने इसको लिखना होगा स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है ना, हमने सबसे पहले सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिख दिया, अब स्टैंडर्ड नोटेशन। अब क्वेश्चन किस तरह है, देखिए 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -5, माइनस से हमें पता चल गया हम कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता तो हम राइट टू लेफ्ट जाते थे। अब देखिए सबसे पहले 5 0 गान, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब 83 83, अब देखिए ना अगर मैं इसको सिग्निफिकेंट नोटेशन में लिखूंगा तो 8.3
ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर क्या 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अच्छा ये एक जीरो नहीं है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, ठीक हो गया। तो ये इसका तरीका है कि भी आपको सिग्निफिकेंट नोटेशन में गिवन होगा, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, कभी स्टैंडर्ड में होगा आपने सिग्निफिकेंट में लिखना होगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का, दो क्वेश्चंस थे। अच्छा फिर इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 3.2, तो चलिए इसको इंशाल्लाह करेंगे अगले वीडियो में।